ऐसा एक एक शॉट चाहिए भाई। ओ भाई साहब, So the other day I was chilling with my friends and one of my friends told me that he was planning to stay in a monastery and that idea was very fascinating to me. My first question was ki bhai mujhe kya baal wagera katwane padenge, which was very juvenile of me, but he asked me ki bhai tu research kar, mail wagera dalna padta hai and check whether it's possible or not. So the very next day I opened my laptop, researched about it and saw that it was possible. I just need to take up a course there and then I can get to stay at the monastery. So I decided to take up 1 week of meditation course at the Deer Park Institute jo ki Bir mein hai. This way I was pretty excited for 4 main things. I get to see what it's like living in a monastery. Since I'm going to be there for a week, so I can explore the unexplored side of Bir. I can start meditating now, jo ki main bahut time se soch raha hu karne ki, but start kar nahi pa raha aalas ki wajah se. And the cost of staying there is pretty cheap. Bas din ka 150 rupiya dega. जब से मैं आया हूँ और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहा है मेरा. फर्स्टली मेरी पहली सोलो ट्रिप थी है, तो वो मेरे लिए डिफरेंट था. दूसरा दिस लाइक अ मोनास्ट्री और यहाँ पे लोग ना, यहाँ के लोग जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं वेरी डिफरेंट पीपल, लाइक वेरी मच इन टू स्पिरिचुअलिटी, वेरी काम एंड वेरी पॉजिटिव, लाइक ग्रेट. आई कांट डिफाइन यार कैसे सुना, मतलब मेरे दोस्तों से बहुत अलग और मेरी उनसे दोस्ती लाइक ब्यूटीफुल पीपल टू. और एक्सपीरियंस मैं पूरा बताऊँगा, बट उससे पहले मैं अभी टूर दूंगा कि व्हाट्स द प्लेस लाइक. ये हमारा पूरा एरिया है, दिस इज़ द मेन बुद्धा हॉल, यहाँ पे सुबह मेडिटेशन होती है. दिस इज़ वन हॉल जहाँ पे और वर्कशॉप्स होती हैं एंड दिस इज़ अनदर हॉल जहाँ पे दूसरी वर्कशॉप्स होती हैं. यहाँ नीचे प्राइवेट रूम्स है, जैसे मैं तो डॉर्म में रुका हूँ, बट यहाँ तुम अपने पर्सनल रूम्स भी ले सकते हो. सो दिस एरिया इज़ फॉर पर्सनल रूम्स. ये यहाँ पे ऑर्गेनिक गार्डन है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सिखाई जाती है. इफ़ यू वांट टू लर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग यू कैन कम हियर. यहाँ पे हमारी डॉर्मेट्रीज हैं, आई विल शो यू माई रूम अभी. उससे बुरी चीज, मतलब जब मैं पीजी रहता था उससे घटिया बाथरूम था. ये तो बहुत साफ है, अच्छा है, पर वो मैं नहाया नहीं होता. दिस इज द डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हम खाते हैं, हमारा भोजनालय यही होता है. इतना स्वाद खाना बनाते ना, इतना स्वाद खाना, क्या बता, मम्मी से अच्छा. बीएम भैया तो बढ़िया दोस्ती है. हाँ, सबको बुलाओ यहाँ. कल खाउसवा बनाया था भैया ने, खाउसवा बनाया था, मजा आ गया. मतलब आपका नाम क्या है? लता मंगेशकर. हाँ जी, मंगेशकर, लता मंगेशकर. हाँ जी, गाते भी आओ. हाँ जी. कब से आप? मुझे तो हो गए 12-13 साल. 12-13 साल. आप यहीं बिर के हैं, मजा आता है यहाँ पे फुल. प्रवीण भैया जी जो हम सबका ख्याल रखते हैं यहाँ पे. डियर पार्क मतलब मेरे हिसाब से तो मोनास्ट्री ही है, है ना? पर अब इसे लोग मोनास्ट्री कहेंगे कि इंस्टीट्यूट कहेंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे इतनी बुद्धिस्ट टीचिंग कराई जाती है और इतनी वर्कशॉप होती है. सो मोनास्ट्री के हिसाब से लोगों के मन में आता है कि मंक्स होंगे सिर्फ, ठीक है? तो ये आप डियर पार्क को कैसे बोलोगे, क्या है ये मोनास्ट्री? पहले हुआ करती थी, अभी मोनास्ट्री नहीं है ये. हाँ, और जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पूरा मोनास्ट्री का ही स्ट्रक्चर है. okay. और यही लगता है कि मोनास्ट्री है. हाँ. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही है. हाँ. बट जब अंदर देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें अलग हैं. तो 70% करीब प्रोग्राम जो हमारे होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग परंपराओं के. फिर योगा हो गया हमारा, फिर विपस्सना हो गया, ये सब स्पिरिचुअलिटी में आ गए. कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम जैसे फिल्म मेकिंग कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं, जैसे युवाओं को कनेक्ट करना सेंटर से, आर्ट थेरेपी हो गया, ट्रेवल राइटिंग. ये कोई भी आ सकता है यहाँ पर. एक तो क्या, आप तो हमारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वो तो प्रायोरिटी है. दूसरा चीज़ है कि आप प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे, बट आपने खुद सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो भी आ सकते हैं. हाँ, सो मुझे अभी आए हुए 2-3 दिन हुए हैं. तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मेडिटेशन के अलावा 2 और वर्कशॉप्स हो रही हैं. वन वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 4 अटैचमेंट्स एंड सेकेंड इज आर्ट थेरेपी वर्कशॉप. सो मैंने वो दोनों वर्कशॉप्स के लिए एनरोल कर दिया और मैं 2 दिन हो भी गए जाते हुए. थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए, मतलब कभी कभी तो बड़ा मज़ा आता है, कभी कभी लगता है क्या हो रहा है, बट वो एक्सपीरियंस
और उसके साथ साथ मेरा पूरा हम मैंने एक वीक क्या किया है अमेर में वो पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन द मोनास्ट्री, हाउ आर द पीपल हियर, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ जो भी हम मस्ती करते हैं और जो हमारा पूरा स्केड्यूल रहता है, क्या होता है पूरा दिन और कैसे वर्कशॉप का एक्सपीरियंस रहा, दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो और वो काफ़ी फन होगी. सो दैट्स गोना गो लाइव सून नेक्स्ट वेंसडे मोस्ट प्रोबेबली. यस, सो सी यू देन, बाय. जिंदा है या कटली 1500 रुपए होती पैराग्लाइडिंग नहीं मजे ले.